economic body, not only for travel, but to stay for that with my long term family, and to stay with them from different factors, and to stay in the south. And then for a lot of us, it's about to be, probably be, अपार कृपा द्वारा आप मुझे पवित्र स्थान पर सच्ची बात चाहिए रास्ते रास्ते लोग किसी बार जा रहे सच्ची कृपा करने और अपने चंचल सारा नाम बंद हो तो आशा रखता मैं सच्ची बात चाहिए जगत जलंधर आखिला अपनी कृपा तो हर किस त्यौहार इधर कुछ चलेगा सच्ची बात का कृपा करने जल्द ही वाले संसार के में पर हाथ रखो तंदुरुस्त में वक्त करो सच्ची बात चाहिए अपना शुभ शिवा प्रदान करो सच्ची बात चाहिए अगले वर्ष को सही करो नानक नाम गुरुदास करो कल जी कला बोले सो सचिदास इच्छा पूर्क सर्व सुखदाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याये मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मन जप मन सतनाम सदा सतनाम हालत पलत मुखुजल हुई है नित त्याये हर पुरख निरंजना जय हर सिमरन भया ते उपाद गत किन्नी वडपार की हार जपना जन नानक को गुरे मत दीनी जप हर भव जल तरना हो सच्चे दिल नाल मंग जो मंगना है सच्चे दिल नाल मंग जो मंगनाए ओदे दर तो सब कुछ मिल सकदा सच्चे दिल नाल मंग जो मंगनाए ओदे दर तो सब कुछ मिल सकदा सच्चे दिल नाल मंग जो मंगना पिंड चूड़ावाली जिथे श्री गुरु दास पब्लिक स्कूल सारे महापुरशां वल्लों चल रहा सारे ही संसार भर दीआं संगतां नूं पता कि अज दो महीने के करीब हो चुका सारे ही वर्ल्ड दे विच सारे ही विश्व दे विच एक बीमारी आई है जिहदा नाम करोना वायरस और सब बच्चों नूं भी पता कई बार साढ़े तो पहला भी इदा दीमारियां आईया पर सानू नहीं असी नहीं देखिया और ना सुनते हैं क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के महाराज ने अपनी बाणी की लिखिया कि डाकी को चित कछु न लागे चरण राम नाम गुण गाए पाला ता को कछु न व्यापे चरण कमल सरनाए डाकी चेचिक तपदिक और कई बीमारियां इस संसार आदि पर थोड़े सीमा होंगी भी इस भारत में आ गया पाकिस्तान च आ गई इधर आ गई पर सारे वर्ल्ड च एक बार नहीं आई इस बार गुरु महाराज के चरणों च भी संगत ने बेनतियां की कि महाराज चेचक की बीमारी आ गई चेचक बीमारी भी उल्टियां बार बार आ पेट दर्द होंगी है तो बंदा उन्होंने नाल ही कमजोर होकर वह खत्म हो जाता उल्टियां उन्होंने कहते डाकी डाकी जी है ना वो उल्टी लग जाती है तो उल्टी के नाल ही बंदा वो बंद नहीं होंगी तो कई बार खून के आ जाता वायरस तो खून खराब हो जाता क्योंकि खून ही शरीर का एक ऐसा तत् है जो खून के करके आप सारे जो तत् घट जाए ना खून घट जाए तो वो भी मुश्किल हो जाता बचना पर दूसरा खून चढ़ाया जाता ग्लूकोज दवाइया वगैरह ठीक हो जाता पर एक ऐसा वायरस है सारे ही शरीर के सू जितों पंप जोड़ा सू हवा मिलती ना ये पकड़ता जाके लीवर कहें पकड़ता यह बीमारी जी है ना मुख द्वारा जाती है नासका द्वारा जाती है लीवर नूं सीधा ही असर करती है फेफड़े जिन्हों कहते पंप क्योंकि साडा शरीर पंप करता तो सारे शरीर के हवा पहुँचती है पर उ बंद हो गया तो मेरे शरीर आप ही खत्म हो गया तो बहुत ही भैड़ी बीमारी सारे वर्ल्ड के असी कई बार कहते कि गवर्नमेंटा ने लोगों ने अभी अफवाह उड़ाई है
अज अमेरिका दे विच 70,000 दे करीब 70,000 दे करीब बंदा साडे को चलाना कर गया। इंग्लैंड दे विच जो असीं उस अंकड़े पढ़ते हैं तो इंग्लैंड दे विच 27,000 दे करीब लोग चले गए। वो इस बीमारी करके कोई बीमारी तो अपन सारे नूं ही आ क्योंकि जो जन्म हो गया तो महाराज कहिंदे मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू घर वार तो दिन सतवार ना लागी ज्यों कागज बुंदाल। गुरु महाराज ने भी जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाट वास नाड़ी को पिंजर पंखी वसे बेचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा राखो कंधो सारो नीवा साढ़े तीन हाथ दे रिसीवा वंके बाल पाक से डेरी ये तन हुए को पसम की टेरी उच्चे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी मेरी जात कमीनी पात कमीनी होशा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा। गुरु रविदास महाराज ने सानू ये चेतावनी दी कि शरीर तुहाडा ये अमानत आ परमात्मा की अमानत आ जिहड़े सानू सवास पाउंदे आ अज उस संसार में आके कर रहे हैं ना ये उसकी कृपा तो बिना कुछ नहीं कर सकते। सवास आ तो जीवन आ जीवन आ तो सारा संसार आ जे तुसी तंदुरुस्त आ तो सारा संसार आ। इस करके सानू असी रासा वास्ता नहीं लैके आए इधर तुहानू मिलने वास्ते आए हैं क्योंकि असी शहर जाने शहरों के कोई इदा बाहर मूँह नहीं कढ सकता। ये हालात हुई है बीमारी ने इन्ना डरा दिता दुनिया नू बच्चों नू और सारे नू इन्ना डरा दिता है कि पता नहीं कि बारी आ जानी है। तो अज असी एक इतों आप सबक भी लैना गुरु पातशाह ने भी गुरु परमात्मा साडा पिछे साडे खड़ा आ जे बीमारी सारे नू इन्ना डरा सकती है तो वह किड्डा वड्डा होगा क्योंकि बीमारी तो वड्डा तो नहीं परमात्मा। हुण आप उस परमात्मा नू याद करते परमात्मा कृपा कर सारे संसार से और गुरु महाराज ने कहा जगत जलंधर राख लै अपनी कृपा तहार ऐ परमात्मा ये सारे संसार नू तू अपनी कृपा करके बचा ला ते मारने वाला कोई होर आ बचाने वाला कोई होर आ ठीक है ना जिहड़ा बचाने वाला कभी मरदा नहीं ते जिहनू आपां बचाउणा आ वह मरन वाला आ इस करके आपां उहदा आसरा लैणा जिहड़ा नहीं कभी मरदा ते वह कौन है। गुरु महाराज ने कहा मेरे रमैये रंग मजीठ का मेरा रमैया जो है ना मेरा परमात्मा वह घट घट वसया होया। गुरु पातशाह जी ने बहुत ही माण दे नाल ये गल कही है कि जैसा रंग कुसंभ का तैसा ये संसार मेरे रमैये रंग वजीट का कह रविदास जवान। गुरु पातशाह कहते मेरा रंग जो है ना मेरा जो शरदा मेरा प्यार आ मेरा उस मालक दे नाल आ दुनिया जिहड़ी आ संसार नूं देखदी आ मैं संसार दे विचों संसार नूं बनाउण वाले नूं देखदा। तो गुरु पातशाह कह रविदास बाजी जग भाई बाजीगर से मोहे प्रीत बनाई मेरी प्रीत गोबिंद दे नाल आ। गुरु पातशाह जी कहते मेरी मालक दे नाल प्रीति है जमन मरन वाला जिहड़ा इन्ना मैं प्यार नहीं करता। तो आप भी सारिया ने की करना उहदे अगे ही अरदास करनी है उहदे ही चरणा च अरदास करनी है। सो को विसरे जिन सब कुछ दिया सो को विसरे जिन जीवन जिया। अज सारे ही संसार भर के साडे चूड़ोवाली नहीं जलंधर नहीं पंजाब नहीं सारे ही भारत के नहीं सारे वर्ल्ड के बीमारी आ चुकी है। अपना बचाव आप करना किस तरह करना एक दूसरे तो दूरी बना के रखनी है अपना किरिया जो साफ रखनी हाथ पैर सारा साफ करके रखना और जिन्ना भी हो सके आप बचना दूजे को बचाना। तो ये थोड़े दिन ये बीमारी अगर निकल जानी है खत्म हो जाना सारा कुछ क्योंकि परमात्मा सानू याद करवाउंदा कुछ ना कुछ आप भुले हुए परमात्मा आप उस मालक नू भुले हुए हैं तो इदां दी जिहड़ी चीज़ां आउंदियां सानू वो याद कराउण वास्ते आउंदियां ना कि डराउण वास्ते आउंदियां। तो जिहड़े चले गए आ उहनां दी आप अरदास करनी है अपना आप बचा करना गुरु महाराज के चरणों च इस करके आप सारे इकट्ठे हुए हैं। तो सारे नू बेनती है सारे ही जितने तुसीं आए आ महाराज के चरणों की अरदास कर रही है क्योंकि वह अरदास सारे की सुन लेंदा और अरदास सुनदा। एक जिमीदार से वह कहता संतान महाराज मेरे से कृपा करो मैनू उपदेश बख्शी करो तो महापुरुष कहते भी तू एक याद कर ला 24 घंटे बाद ना एक बार परमात्मा अरदास सुन लेंदा तो तू अरदास करनी है जिहड़ी तेरी अरदास होगी परमात्मा सुनेगा अरदास महाराज के चरण च करी जाए
तो बेचारा साडे वर्गा सीगा और कहा भी जे मेरी अरदास मालक ने सुननी आ तो फिर मैं एक गल कह दिंदा उहनूं। वह चले गया अपने हवेली में जाके ना सुहागे नूं खड़ा कर लिया, सुहागा हुंदा कि नहीं, उहनूं खड़ा करके कहण लगा सोना बन जा सोना बन जा सोना बन जा। वह 24 घंटे बीत गया सोना नहीं बनिया। वह कहते सर तो झूठ ही बोलते सके भी अभी कहते जो सुनता सुनता है नहीं। जो 24 घंटे पूरे होने लगे वह कहता जा यार जो सोना नहीं बनना लोहा ही बन जा। वो जो चाके मारे लोहा बन गया। तो उन्होंने मेरा भाव है कि आप जो कि अरदास करिए बेनती करिए कित ना कि सुन लेंदा। आ जड़िया हम आप भुगत रहे हैं ये जे जीबा मार रहे तड़फा तड़फा के उन्होंने आवाजा परमात्मा के चरणों में पहुंचिया। तुम कई बार साखियां सुनते ना गुरु रविदास महाराज उदो आए जो दुनिया के उत्तर अत्याचार हो गया तो पृथ्वी ने अरदास की महाराज के चरणों में तो मालक साढ़े आए गुरु रविदास महाराज जी सुनते गए सारे। तो जे उन्होंने आवाजा मालक सुन के महापुरशा भेजदा तो जिन्होंने इदा अत्याचार होया उन्होंने आवाजा उत्थे गई थाने पुलिस उदों तक नहीं होती जिन तक तुम गुनाह नहीं करते। कोई धारा नहीं लागू होंगी उदो लागू होएगी जो तुम गुनाह करोगे। डॉक्टर साहब जी ने सानू किड्डा वड्डा संविधान दिता 24 घंटे काम करते आपां और साढ़े को डंडिया के नाल कराते जबरदस्ती कराते बन के असी यूरोप के गए बयाना उत्थे दा एक हिटलर होया बादशाह वो कुर्सी डाक उपर बैठ जाता सी जिहड़ा मजदूर नहीं सी ना काम करता 24 घंटे तो ज़्यादा जां थक जाता सी उपर बैठा वो गोली निशाना करके गोली मार दिंदा सी कोई नहीं पुछण वाला। 30-30 घंटे काम करवाउंदा सी उह ते सारे वर्ल्ड दे विच जिस वेले गल्लां पहुंचियां ते अमेरिका दे विच लोकां ने फिर विरोध किया किन्ने हज़ारां च उत्थे भी लोग मार दिते वी तुहानूं कोई तुहाडे ते कोई कानून नहीं सी लागू करांगे तुहानूं इदां ही काम करना पैणा सानूं आ सारे आपां उही ही आ। वो कहते थानू इदा ही काम करना पैना तो किसे नहीं सुनी डांगा मार मार के गोलियां मार मार के वाइट हाउस अमेरिका विच मार दिते सारे। डॉक्टर साहब नूं भी बेनती उन्होंने चरणों में नमस्कार करो जिन्होंने सानू इस तरह के परेशानियों तो दूर करवा के संविधान लागू करा के कानून लागू करा के 8 घंटे की ड्यूटी सानू उन्होंने ही प्रदान की आ। तो उन्होंने चरणों में भी नमस्कार आ असी थोड़ा सारे का स्वागत करते हैं। बीमारी बहुत लम्मी नहीं है पर साड़ी उड़ीक बहुत लम्मी है। कई बार उड़ीक दे दिन जड़े ना वो दूर हो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। खुशियां तो बंदा मिनटा जी गुजार लेंदा ते महाराज के चरणों च बेनती करो असी तदी तुहानू इत्थे लिआंदा कि तुसी महाराज के चरणों च अरदास करनी आ इहो ही सारियां परेशानियां का जो निवारण कर सकते हो इत्थे ना सरकारां कर सकदियां ना कोई होर कर सकता। डॉक्टरों ने भी हत्थ खड़े कर दिते तुहाडे सामने आ रोज़ तुसी न्यूज़ां सुणदे आ दवाई नहीं बन सकी पर हुण जतन करदे आ शायद मालक उहनां दी भी सुण लवे ते उह भी दवाइयां वगैरह सारा तुहाडे लई उपचार करन वास्ते लगे होए आ ते शायद मालक जल्दी कृपा कर दूगा। पर ये मालक दी कोई अंदरों उहनां दी प्रेरणा आ उहनां दा कोई अपना संकल्प आ जिस करके सानूं सारा दुख भुगना पिया और सारे ही संसार भर दे विच एक जगह नहीं है बीमारी इहो ते असी सारे ही यतनशील है जिहड़े लोगों नूं सरकारां दी हजे पहुँच तो जिन्हां सरकारां भी पैसे कर रही हैं घर घर पहुँचा रही हैं कणकां पहुँचाइयां उन्होंने बस्सां रस्सां वगैरह सारियां पहुँचाइयां उन्होंने फूड कारपोरेशन नूं कहा वह थोड़े कार जिन्हां दे बने हुए आ जिन्हां दे नंबर लगे उन्हां दे घरां च पहुँच जाणियां रस्सां वस्तां और जिन्हां नहीं मिलियां उन्हां लई असी प्रसाद तुहाडे लै के आए हां। कोई रस्सा वस्ता नहीं है इहदे विच जो भी है तुहाडे असी तुहानूं यह बेनती करांगे कि तुसी अपना प्रसाद छक के गुरु महाराज के चरणों के अरदास करनी आ। की करनी आ गुरु रविदास महाराज जी की बाणी भी सानू उपदेश बख्श करती है और सारी ही बाणी सानू यही उपदेश करती है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सत अपना। धन्यवाद जी महाराज की जय भीम जय भारत। बहुत ही सत्कार जो सरदार निर्मलदास जी महाराज प्रधान श्री गुरुदास पब्लिक स्कूल चूड़ वाली जिन्हों तो अपने बहुत वडमुले विचार सुने। तुहानू पता अज 42-43 दिन हो गए कोरोना वायरस करके पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है जिहदे चलते अपना पंजाब भी लॉकडाउन है और साडे वीर जो दिहाड़ीदार किरती मजदूर कामी जिहड़े रोज़ दी कमा के खाण वाले सन उन्होंने बिल्कुल भी पता नहीं सी कि इन्ना लंबा ज
जो लॉकडाउन सरकार करेगी, क्योंकि एक दिन वास्ते होया सी, एक दिन तो बाद तीन दिन का होया, पाँच दिन का होया, आल ऑफ सडन 21 दिन का, तो हम थोड़े सामने 43-44 दिन हो गए हैं। तो बहुत यह मंदभागी खबर है कि जोड़ा करोना जरा वायरस जोड़ा इन्ना, मतलब एक डॉक्टर ने कहा कि अज का रिकॉर्ड, अज तक रिकॉर्ड है कि इन्ना खतरनाक वायरस दुनिया कदम होया नहीं, पहली बार ये साड़ी जिंदगी इन्ना खतरनाक वायरस होया है कि जोड़ा सानू नज़र नहीं आता। तो पैदा कितों होता ये थोड़े हाथ छून के ना, मूँह छून दिया, नक्का अख के हाथ ला, तो मैन टू मैन ट्रांसफर होंगे, कितने हवा के नहीं, कोई विजिबल नहीं है, किसी जानवर के पक्षी तो नहीं चलिया, ये इंसान तो अगर फैलता है, जिदे करके अपन जी सोशल डिस्टेंस उन्होंने कहा बनाने, आप 3 फुट की डिस्टेंस बना के रखनी है। तो बच्चा बजुर्गों ज़्यादा से, लेकिन हूँ तो जो यंग से उन्होंने भी होया, ये उन्होंने होंगे जिन्हें इम्यूनिटी जो कमजोर है, जेडे ताकत घट आ, इम्यूनिटी मतलब थोड़ी अंदरों ताकत घट आ, जेडे इम्यूनिटी थोड़ी पावरफुल आने वायरस पकड़ना नहीं, क्योंकि लंग्स आ, लंग्स जो थोड़े सेंसिटिव होंगे, ये पंप करके हवा सानू सह देंगे ने, तो यह पैंता पहले गल तो हौली हौली करके थोड़े लंग्स में पकड़ना, लंग्स में इन्ना पकड़ा कि लंग्स पंप करना बंद कर देंगे ने, जिदे करके बंदा तड़ तड़ के मर जाता। और इन्हों को अज तक साढ़े सरकार को मशीन ही है, एक तो होंगे ना वेंटिलेटर, एक उस तो उपर हों कि जो सा डॉक्टर साहब कहते हैं उदय कुमार जी, इन्होंने पता कि वो जो पंप बड़ा एक्सपेंसिव, वो कीमत जी 13-14 लाख आ, जो आम वेंटिलेटर 2-2.5 लाख का मिल जाता, तो जोड़ा ये करोना वायरस को प्रोटेक्ट करने वास्ते, लंग्स को प्रोटेक्ट करने वास्ते आ, वो कीमत 13-14 लाख आ, तो साढ़े पंजाब गिनती 12-13 मिले इन्हों। तो बड़ी मंदभागी गल है, सरकार ने आल ऑफ सडन लॉकडाउन किया, लेकिन गरीब मजदूरों को बड़ी प्रॉब्लम आई, जिन्होंने चलद बाबा जी डेरा संत प्रीतम दास जी बाबे जोड़े वालों लगातार ये सेवावान निभाइया जा रही है, क्योंकि ये जिंदगी तो नहीं निकलनी है कि 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा राशन चल जाएगा, होर भी जथेबंदियां संत महापुरुष लगे ने, तो सरकार वालों भी पता लग रहा कि सरकार भी कुछ राशन दे रही हैं, पर पता नहीं किदा दे रही है, कई सुनू मिले कि राजनीति भी हो रही है कि जिहड़ियां पार्टियां रूलिंग आ वो अपनियां पार्टी अपने नोन बंदे नूं दे रहे हैं तो दूजे नूं नहीं दे रहे, ये तुहाडे कोल रिपोर्ट आ रही है, सासी तां फील्ड जा नहीं रहे, पर यह है कि चलो आपां नूं यह वक्त मिलिया है, ये हुण बेगमपुरा वसेगा कि सारे नूं शूदर बनाता, यह करोना वायरस ने सारे नूं अनटचेबल बनाता, अज अपने सका माँ बाप भैन भरा किसी नूं हाथ लाउण तों भी डरदा बंदा, पर इहनूं मूंह कर लैंदा, अपनी माता तों भी पर इहनूं मूंह कर लैंदा, तो यह एक बहुत वड्डी नसीहत भी है कि किन्ना हालात माड़े हुए होणगे जिहड़े साडे बजुर्गों ने पुरखियां ने हंडाए आ, कि जिन्हां नूं मतलब कि आगे ही नहीं सी एक दूजे को टच करन दी, तो उन्हें जिंदगी किहो जिही नरक होगी, तो आपां अपने तों अंदाजा ला सकदे, आपां नूं लैसन लैणा पएगा। अज आपां सारे आओ रल के गुरु रविदास जी महाराज की बाणी पढ़ीए, बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर के 21 वॉल्यूम हैं, तो वो छोटे छोटी बुक्स भी हैं, उन्होंने पढ़िए, कानून में पढ़िए, संविधान बड़ा पवित्र संविधान है, बाबा जी ने तुहानूं दस्सिया वो संविधान दुनिया का सब तो वड्डा संविधान, और बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर किन्ने पढ़े सन, 32 डिग्रियां, तो उम्र किन्नी उन्हां दी, 1891 पैदा होए, 1956 चलाना करे, किन्नी उम्र हुई, 62-63 साल की, 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल कीतियां, तो अज साडे बच्चे 1 डिग्री लैण तों तड़ रहे हैं, साढ़े एक लड़के पता लगा कहिंदे 5 पढ़ी मैं, किन्ने साल हो गए, मैं तो हुण पढ़ लिया, कहिंदी मैनूं 8 साल पढ़ाई छड्डी, हुण मेरा मन ही नहीं लगता, मतलब कि जिहड़ी विद्या हैगी आ इह एड्डा वड्डा हथियार है कि जिहनूं कोई गुमराह नहीं कर सकदा। बाबा जी असीं अपनी उमर सुनिया होया कि जिहड़े साडे बजुर्ग सी ना, अनपढ़ हुंदे सी विचारे, उन्हां ने किते जे कर्जा लैणा ना आढ़तीआं कोलों, तो देना 500 तो लिख लैणा 5000, तो जो 500 मोड़ ने पूछा किन्ना रह गया जी, थोड़े 10000 बन गया, वो कहते मैं तो ले ही इन्ना सी कहते तेरे तो उठा लगा होया, वो अनपढ़ता। अज आपने की करना, प्रण करो कि अज आपको वक्त मिले है बच्चे च रहन का, परिवार च रहन का, करोना वायरस चलद संविधान पढ़ो, किताबा पढ़ो, महाराज बाणी पढ़ो, महाराज बाणी ने सू पहले समझाया कि इतने कुछ भी नहीं है, ये दुनिया फन खानी है, नाशवान है, थोड़ा की दोस्त की थोड़ा अपना भी तुम दोस्त है, थोड़ा एक दूजे टच नहीं करते, कौन है थोड़ा, कोई नहीं, तेरा तू ही है, इस करके अपने आप बचाओ, दूजे को बचाओ, हेल्प करो, एक दूजे की सेवा करो, जे को हैगा खाने जे थोड़े को फालतू तो दूजे को दे दो, रल मिल के खाओ, वंड छको, किरत करो, वंड छको, तो आप सारे बचा सकते हैं। तो आओ आप गुरु रविदास जी महाराज चरणा च बेनती करिए, एक बाबा जी 2 लाइना लिखिया सी कि तू पानी उत्ते पत्थरों उतारदा तेनू क्यों ना तारू बंदे आ, जिहड़ा पानी उत्ते पत्थरों नूं उतारदा ओह करोना भी निवारू बंदे आ, जिहड़ा पानी उत्ते पत्थरों नूं उतारदा ओह करोना भी निवारू बंदे आ, पर
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੁੱਤੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੰਤ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਲਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦੋਸਤ ਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਿਨ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਲਓ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸੇਗੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸੇਗੀ ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ ਆ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈਏ ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਪਾਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਕਰਦੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਕਤ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਖੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਮੈਡਮ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਜਨਤਕ ਟੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਰਸ਼ਾਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਰਸ਼ਾਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਏ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੰਗ ਬੰਦੇ ਮੰਗ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਮੰਗ ਕਰ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਏ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਏ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਰਸ਼ਾਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ
ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਰੌਣਕ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਿਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਖਿਲ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਏ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬੋਂ ਕਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਗਰੀਬੋਂ ਕਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਜੋ ਪਿਆਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਜੋ ਪਿਆਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਲੈ ਕਰ ਹੀ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਜੜਾ ਹੁਆ ਘਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਗਮ ਕੀ ਕੈਦ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਆਓਂ ਕੋ ਜਹਾਂ ਲਾਓ ਦੁਆਓਂ ਕੋ ਜਹਾਂ ਲਾਓ ਜਹਾਂ ਤਸੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਤੇਰੇ ਤਕਦੀਰ ਬਣਤੀ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਤੇਰੇ ਜਹਾਂ ਤਕਦੀਰ ਬਣਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਏ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਏ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਏ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਮਾਨ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਹੁਆ ਤੀਰ ਬਦਲ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤੁਝ ਸੇ ਤੋ ਤੇਰੇ ਆਂਸੂ ਨਾ ਬਦਲੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਤੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਮੰਗਣਾ ਏ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗ